शहरी बीपीएल परिवारों को सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से शिमला के बालूगंज में महिलाओं के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा रविवार को शिमला के वार्ड नंबर 6 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड की महिलाओं को केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत निशुल्क प्रशिक्षण एवं सुनिश्चित रोजगार के विषय में जानकारी दी गई, ताकि वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके। इस विषय में बात करते हुए वार्ड के पार्षद निर्मला चौहान ने बताया कि शिविर में महिलाओं को इस योजना की विस्तृत जानकारी दी गई है, ताकि बीपीएल परिवारों से संबंधित महिलाएं सिलाई ब्यूटिशियन जैसे काम कर आजीविका कमा सकें। स्तर के लोग हैं, जैसे गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग है और वो बिल्कुल खुशी से आ रहे हैं। और हमारे ये कोर्सेज चल रहे हैं, ब्यूटिशियन का है और सिलाई का है, और इस तरह के जो भी है, मतलब स्किल डेवलपमेंट के जो भी प्लानिंग है, वो बहुत अच्छे तरीके से लोग खुश होकर आके सीख रहे हैं और इसमें अवेयर हो रहे हैं, आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें प्लेसमेंट भी दी जा रही है और अपने योग्य भी वो अपना स्वयं काम करें। वहीं योजना के विषय में जानकारी देते हुए स्किल डेवलपमेंट माइक्रो इंटरप्राइजेस के प्रोजेक्ट मैनेजर अमिता चौहान ने बताया कि यह योजना केंद्र सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों के लिए शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारा ये नेशनल लाइवलीहुड मिशन सेंटर की स्कीम है, जो कि स्किल डेवलपमेंट इंडिया की है। इसका इसके अंडर क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स हैं, जैसे कि अपैरल है, ब्यूटिशियन है, मिस मैसिंग है, अप्लायंस रिपेयर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कॉल सेंटर है। इसमें हमारे NSD नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर इम्पैनल एजेंसीज हैं, जो इम्पैनल हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड में आप ट्रेनिंग करवाएंगे। BPL हमारा जो सेगमेंट है, BPL सेक्टर है, और जो BPL से ऊपर इकोनॉमिक सीकर से जिनकी सालाना आय 2 लाख से कम है, उनको हम मुफ्त में ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई क्राइटेरिया एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है, इनको मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही 45 डेज की ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद इनको हम प्लेसमेंट देंगे। आयोजित इस जागरूकता शिविर में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जिससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि गरीब परिवारों की महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बन पाएंगी। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ शिवानी कपूर की रिपोर्ट।